पहले हम देखेंगे कि लंग्स डिजीज क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लंग्स डिजीज क्या है, व्हाट इज द लंग्स डिजीजेस। लंग्स डिजीजेस के लिए दो टर्मिनोलॉजी हम काम करेंगे, दो टर्मिनोलॉजी का नाम लेंगे। लंग्स डिजीज मेजर स्केल पर दो तरह की होती है। पहली रहती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, पहली क्या रहती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, और दूसरी लंग्स डिजीज रहती है रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज, क्लियर। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज क्या है, क्लियर। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज क्या है, तो यदि हमारी सांस लेने के अंदर, क्लियर, हम जैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। एयर इनफ्लो होता है, एयर आउटफ्लो होता है। यदि एयर को आउटफ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। और यदि एयर को इनफ्लो होने में लंग्स रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, है ना, यदि लंग्स क्या कर रहे हैं, एयर को इनफ्लो होने में क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इनफ्लो नहीं होने दे रहे हैं, इनफ्लो होने में यदि प्रॉब्लम आ रही है, इनफ्लो होने में यदि रुकावट आ रही है, उस तरह की लंग्स डिजीज कहलाती है रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी लंग्स डिजीज जो एयर को बाहर नहीं जाने देती है, बाहर जाने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। और ऐसी लंग्स डिजीज जो एयर को अंदर आने में रेस्ट्रिक्शन कर रही है, अंदर नहीं आने देती है, ऐसी लंग्स डिजीज कहलाएंगी रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। एक तीसरा टर्मिनोलॉजी और है, तीसरा टर्मिनोलॉजी है डिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। डिस्ट्रिक्टिव, डिस्ट्रक्शन, मतलब कि यहाँ पे ये इन दोनों शब्दों से बिल्कुल अलग है। डिस्ट्रक्शन होना, लंग्स का किसी भी कारण से डिस्ट्रक्शन हो जाना, डीजनरेशन हो जाना, टिश्यू का डैमेज होना, धीरे धीरे टिश्यू डीजनरेट हो जाते हैं, और उस तरह के जो डिजीजेस रहती है वो डिस्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज कहलाती है।